मूवी के शुरू होते ही हमें एक टेक्स्ट देखने को मिलता है, जिसका मतलब था कि वायलेंस की जड़ इंसानियत के बिना विज्ञान है। और ये कोट हमारे गांधी जी का था, जो कि अपने नॉन वायलेंस के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। फिर सीन में आगे एक आदमी स्ट्रेचर पर बंधा हुआ था और उसका चेस्ट पूरा खुला हुआ था। फिर उस आदमी के खुले हुए घाव में खूब सारा नमक डाला जाता है, जिससे कि उसे बेतहाशा दर्द होता है। और यहाँ पर कुछ पिल्स की टेस्टिंग हो रही थी, जिसके बाद में ये सीन कट होकर दूसरी जगह शिफ्ट होता है, जहाँ पर चार लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे, जिनके नाम थे टाइलर, ये निक की गर्लफ्रेंड थी, और काय, जो कि टोनी की गर्लफ्रेंड थी। फिर शाम होने पर ये सभी लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन्हें गैस स्टेशन पर एक लेडी मिलती है, जो कि यहाँ पर डीजल लेने आई हुई थी। और ये उनसे हेल्प मांगती है, क्योंकि उसकी कार का डीजल खत्म हो गया है और उसे अपनी कार तक लिफ्ट चाहिए थी। निक उस लेडी को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन निक की गर्लफ्रेंड टायलर को ये लेडी कुछ पसंद नहीं थी। फिर जब ये उस लेडी को उसकी कार तक छोड़ देते हैं, तो ये उन्हें जोर देती है कि वो उन्हें गिफ्ट में एक परफ्यूम देना चाहती है। और जब ये वापस परफ्यूम लेकर आती है, तो खुद ये गैस मास्क लगाई हुई थी और सभी पर एक गैस रिलीज कर देती है, जिससे कि ये चारों कार में ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जब इन्हें होश आता है, तो ये एक चेयर पर बैठे हुए थे और एक घर के अंदर थे, जहाँ पर और भी कई सारे लोग मौजूद थे, जिसमें से एक आदमी आकर टाइलर के नाखून को उखाड़ देता है। टाइलर को बहुत दर्द होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिरकार इस आदमी ने ऐसा क्यों किया। और फिर वहाँ पर सभी लोगों में लड़ाई हो जाती है, और ये सभी लोग उन्हें ये समझाते हैं कि ये सब भी इन्हीं की तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनके नाम थे ग्रेग, सैम, तारा, जूलियन और लिसा। ये सभी मिलकर निक और टोनी को एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें कि एक औरत ये कह रही थी कि सभी के सिर के पीछे एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसकी कनेक्टिविटी उनके दिमाग तक है, और ये डिवाइस इनके दिमाग के केमिकल बैलेंस को चेक करता है। और जब इंसान की बॉडी को दर्द होता है, तो उनका दिमाग एक केमिकल रिलीज करता है, जिससे ये डिवाइस नापता है। फिर आगे ये औरत ये कहती है कि अगर सभी को यहाँ से बाहर निकलना है, तो एक दूसरे को टॉर्चर करना होगा। सभी के टॉर्चर लेवल को डिवाइस के द्वारा परसेंटेज में नापा जाएगा, और उन्हें 100% का टारगेट अचीव करना था। और अगर ये सभी लोग 22 घंटे के अंदर अंदर एक दूसरे को टॉर्चर नहीं करते, तो उस डिवाइस में एक केमिकल निकलेगा, जो कि उन्हें तुरंत मार देगा। जूलियन को इस औरत की बातें बिल्कुल बकवास लग रही थी, और वो अपने सिर के पीछे से डिवाइस निकाल लेता है। और जैसे ही वो इस डिवाइस को निकालता है, तो जूलियन तुरंत ही मारा जाता है। जूलियन के मरने पर मीटर के परसेंटेज नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद ब्रेन डेड हो जाता है, और वो कोई भी केमिकल रिलीज नहीं करता है, जिससे कि डिवाइस नापता था। फिर सभी ये डिसाइड करते हैं कि वो ग्रे को टॉर्चर करेंगे, क्योंकि ग्रे ने टाइलर का नाखून निकाला था और वो एक ड्रग डीलर भी था। जिसके बाद में सभी एक एक करके ग्रे को मारते हैं, लेकिन मीटर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता। और फिर ग्रेग को लेटाकर कई तरह से टॉर्चर करते हैं, जिनमें से तारा कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो रही थी। वो कई बार ग्रेग के नाखून निकालती है और फिर उसके शरीर में स्क्रू ड्राइवर को कई जगह पर घुसाती है। फिर तारा इतने में ही नहीं रुकती, वो ग्रेग का पैर बीच में से तोड़ देती है, और ग्रेग की हालत इससे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था, और तारा की करतूत पर सभी बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं। और ये सभी आपस में डिसाइड करते हैं कि उस मीटर में बचे हुए परसेंटेज को 6-6% में डिवाइड कर लेंगे, ताकि एक एक करके सभी को टॉर्चर किया जाए और सभी बराबर इंजर्ड होकर यहाँ से बाहर निकले। जिसके बाद में सभी नंबरिंग करते हैं, जिसमें पहला नंबर सैम का था। लेकिन सैम के साथ में जो होने वाला था, उससे सैम को ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। सैम खुद जाकर टेबल पर बैठ जाता है, और उसकी बॉडी पर पहले से ही बहुत सारे निशान मौजूद थे, जिसे देखने के बाद में सभी सैम से उन निशानों का कारण पूछते हैं, लेकिन सैम नहीं बताता। और फिर टोनी एक गर्म आयरन को सैम के पेट पर रखकर उसे जला देता है, जिसके कारण सैम को बहुत दर्द होता है और उसका परसेंटेज भी बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी वो 6% तक नहीं पहुंच पाते और 1% रह जाता है। जिसे पूरा करने के लिए एक प्लायर से सैम का नाखून निकाल दिया जाता है, और सैम का परसेंटेज कंप्लीट होता है। सैम के बाद अब बारी थी निक की, लेकिन निक की गर्लफ्रेंड टाइलर उसे दर्द में नहीं देख सकती थी, और टाइलर अपने पास छुपाई हुई एक ड्रग मॉर्फिन को निक के मुंह में किस करके डाल देती है, ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। और फिर निक को भी कई तरीकों से टॉर्चर किया जाता है, उसके नाखून निकाले जाते हैं, उसके शरीर से चमड़ी भी निकाली जाती है, और उसके पेट में ड्रिल कर दिया जाता है, जो कि तारा का आइडिया था। लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी मीटर का परसेंटेज नहीं बढ़ रहा था, और ये सब हो रहा था ड्रग के कारण। निक की बारी ख़त्म हो चुकी थी, और अगली बारी थी लिजा की।
लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। और फिर सैम उसे पकड़कर बाहर लाता है और टेबल पर लिटाकर उससे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। लिसा के बाद अब बारी थी टायलर की। वो टायलर निक को ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो सभी को ये भी बताती है कि उसने निक के मुंह में ड्रग डाल दी थी जिसके कारण निक को दर्द महसूस नहीं हुआ और उस मीटर का परसेंटेज आगे नहीं बढ़ा। टायलर के पास अभी भी मॉर्फिन की कुछ पिल्स बची हुई थी जिससे कि दर्द महसूस नहीं होता है और निक ग्रेग को वो पिल देने जा रहा था क्योंकि ग्रेग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लेकिन तारा उसे ऐसा करने से मना कर देती है और टोनी तारा को मारकर ग्रेग को पिल देता है। फिर अब टॉर्चर करने की बारी थी टायलर की, लेकिन वो प्रेग्नेंट थी। निक टायलर की जगह वापस से टॉर्चर होने के लिए जाना चाहता था, लेकिन निक ने वो पिल्स खाई हुई थी और उसका असर अभी भी उसके शरीर में था। जिसके बाद में टोनी ये डिसाइड करता है कि वो टायलर और किया एक साथ गर्म उबलते हुए पानी में अपना हाथ डालेंगे और फिर तीनों उस गर्म पानी में अपना हाथ डालने ही वाले थे कि तभी टायलर और टोनी तो उस गर्म पानी में अपना हाथ डाल देते हैं, लेकिन किया उस पानी में हाथ नहीं डालती और अपना हाथ पीछे खींच लेती है। टोनी पहले ही दर्द में था क्योंकि उसका हाथ गर्म पानी से जल चुका था कि तभी वहाँ पर तारा आती है एक चाकू लेकर और वो उससे टोनी के गर्दन पर हमला कर देती है जिससे कि बाकी का गर्म पानी भी टोनी के ऊपर आ जाता है और उसका शरीर आधा जल जाता है। और इससे होता यह है कि टॉर्चर का परसेंटेज 50% तक पहुंच जाता है। तारा टोनी के ऊपर एक बार हमला कर चुकी थी और वो उसके ऊपर फिर से हमला करती है, लेकिन निक तारा को पंच मारकर अपने दोस्त टोनी को बचा लेता है। और फिर सभी अब तारा को टॉर्चर करने के लिए उसे टेबल के ऊपर ला चुके थे। अब यहाँ पर तारा की बारी थी। वो टेबल के ऊपर बंधी हुई थी, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जबकि पहले सबसे ज़्यादा टॉर्चर करने में तारा को ही मज़ा आ रहा था। पर अब देखिए, वो अपने आप को छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी। तारा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और इस झड़प में किया की गर्दन पर चाकू लग जाता है और वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। किया को बचाना अब बहुत मुश्किल था और टोनी भी अब बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। वो तारा के पास आता है उसे टॉर्चर करने के लिए और वो उसे बुरी तरह से पीटता है कि उसके दांत तक टूट जाते हैं। और फिर तारा की स्किन को एक कटर से निकाल लेते हैं और वहाँ पर एक केमिकल डाला जाता है ताकि तारा को और ज़्यादा दर्द हो। तारा को बहुत ही ज़्यादा भयानक टॉर्चर किया जा रहा था जिससे कि टॉर्चर का परसेंटेज 60% तक हो जाता है, लेकिन सभी को यहाँ से बाहर निकलने के लिए टॉर्चर का परसेंटेज 100% तक लाना था। जिसके बाद में सभी एक दूसरे की कॉलर बोन को रॉड से तोड़ते जाते हैं क्योंकि उन सभी को 100% तक जाना था। टोनी एक एक करके सभी को मार रहा था, लेकिन जब टायलर को मारने की बारी आती है तो वो रुक जाता है और उसके हाथ में से उस रॉड को निक ले लेता है और फिर निक टोनी के ही कॉलर बोन को तोड़ देता है। जिससे कि होता यह है कि टॉर्चर का परसेंटेज 100% तक पहुँच जाता है और वहाँ पर सभी को एक मैसेज मिलता है कि वे सभी वापस जा सकते हैं। जिसके बाद में सभी एक मशीन से अपने अपने डिवाइस को निकाल ही रहे थे और निक बाकी के घायल लोगों को लेने के लिए अंदर जाता है और वो जब अंदर पहुंचता है तो ये देखता है कि सैम सभी लोगों को मार चुका था और अब बचे थे तो निक, टायलर और ग्रे। टायलर यहाँ पर ग्रेग की हेल्प कर रही थी उसे बाहर निकालने में, लेकिन वो बाहर निकलने से पहले ही मर जाता है और टॉर्चर का मीटर 100% से नीचे गिर कर 88% पर पहुँच जाता है। टायलर ये जान चुकी थी कि 100% के बिना वो यहाँ से नहीं निकल पाएगी और इसे पूरा करने के लिए वो पहले खुद की स्किन को जला लेती है, लेकिन फिर भी परसेंटेज 100 तक नहीं पहुँचता और इसके बाद में वो अपने हाथ पर एक कील को ठोक देती है और वो उस कील को अपने हाथ में तब तक ठोकती हुई जाती है जब तक कि 100% कम्प्लीट नहीं कर लेती। यहाँ पर निक सैम को पकड़ लेता है और उसे एक स्क्रू ड्राइवर से मार देता है क्योंकि सैम को सब कुछ पता था और वो इन सभी लोगों के साथ में मिला हुआ था। सैम को मारने के बाद में निक अपनी गर्लफ्रेंड टायलर के पास पहुंचता है उसे बचाने के लिए, लेकिन टायलर इतना ज़्यादा दर्द नहीं सह पाती और वो मर जाती है। और फिर यहाँ से जिंदा बचने वालों में निक अकेला ही था। अब सीन शिफ्ट होकर एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पर निक बैठा हुआ था और वो पूरी तरह से ठीक था। वो रेस्टोरेंट के बाहर उसी लेडी को देखता है जो कि लोगों को फंसा कर ले जाया करती थी। जिसके बाद में निक उस लेडी का पीछा करता हुआ जाता है और उसे किडनैप कर लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक टॉर्चर गेम पर बनी हुई है
जिसमें सभी के सिर के पीछे एक डिवाइस लगा दिए जाते हैं जो कि इंसान के पेन को नापते थे और उसके सिग्नल को मॉनिटर पर शो करते थे। यहाँ पर सभी को एक दूसरे को टॉर्चर करना था और टॉर्चर लेवल को 100% तक पहुँचाना था। सभी एक दूसरे को टॉर्चर करके यहाँ से आज़ाद तो हो जाते हैं, लेकिन सैम उस ग्रुप से मिला हुआ था। वो सभी के साथ में विक्टिम बनकर रहता था और उन्हें बताता था कि आगे क्या क्या करना है। सैम पहले भी ऐसा कर चुका था और ये बात इससे पता चलती है कि उसके शरीर पर पहले से ही बहुत सारे निशान थे। मूवी के एंड में निक सैम को मारकर बच जाता है और वो उस लेडी को पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों की जाने गई। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्द ही आने वाले हैं।